भारत और चीन के सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प, सेना के अफसर सहित 3 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत, 48 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान। मुख्यमंत्री ने कहा, फसलों को बचाने रोका छेका की व्यवस्था करें ग्रामीण, 20 जून को करेंगे इसकी समीक्षा। और धमतरी एवं रायगढ़ जिले में 2 हाथियों की मौत, रायगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन के सैनिकों के बीच आज वास्तविक नियंत्रण रेखा स्थित गलवान घाटी में एक बड़ी झड़प हो गई। इस झड़प में जहां भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए, वहीं चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। इस घटना के बाद भारत और चीन की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात गलवान घाटी में डी एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। बताया गया है कि इस घटना के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारी तनाव कम करने के लिए बैठक कर रहे हैं। इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री, तीनों सेना के अध्यक्षों और रक्षा प्रमुख की आपात बैठक बुलाकर घटना की जानकारी ली। इसके बाद राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर घटना की पूरी जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन सीमा पर मई माह से ही तनाव बढ़ने लगा था। चीनी सैनिक भारत द्वारा तय की गई वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर पेंगोंग झील और गलवान घाटी के पास आ गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना के साथ ये झड़प हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सोमवार को देर शाम तक 48 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा कोरोना मरीज कोरबा में मिले हैं, जहां पर 16 लोगों की पहचान की गई है। जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोरबा जिला प्रशासन द्वारा एजुकेशन हब के खाली पड़े भवन को 1000 बिस्तर का आइसोलेशन हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए नया अस्पताल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरबा के ईएसआईसी अस्पताल को पहले ही 100 बिस्तरों के कोविड अस्पताल के रूप में तैयार किया जा चुका है। हमारे जिले में ईएसआईसी हॉस्पिटल को 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में वर्क कर रहा है, किंतु ये जो है 100% कैपेसिटी पर काम कर रहा है और स्थितियां देखते हुए हम लोगों को अभी कोविड पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक केसेस को रखने के लिए हम लोग आइसोलेशन सेंटर्स बढ़ाने जा रहे हैं। और इसी पार्टन में जो है मरने जन्मने पाले में जो एजुकेशन हब का जो हमारा प्रोसेस है उसको हम लोग 1000 बेडेड कोविड पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक आइसोलेशन सेंटर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह सोमवार को बिलासपुर और रायपुर से 7-7, मुंगेली और दुर्ग से 4-4, बलौदाबाजार से 3, बलरामपुर, जशपुर और कोंडागांव से 2-2 तथा कोरिया से 1 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के 116 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। पिछले 3 दिनों से रोजाना औसतन 80 मरीजों को छुट्टी दी जा रही है। मरीजों के लगातार डिस्चार्ज होने से अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रामवासियों से 19 जून तक रोका छेका की व्यवस्था करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से किसानों के नाम दिए गए अपने संदेश में कहा कि रोका छेका जैसी व्यवस्था से खुले में चरने वाले पशुओं पर रोक लगाने का काम किया जाता है, इससे फसलों की सुरक्षा होती है।
मुख्यमंत्री की अपील के बाद मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी जिला कलेक्टर्स और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि आगामी 19 जून तक सभी गांव और गौठानों में वहां के पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी और चरवाहा बैठक कर रोका छेका की व्यवस्था को लागू करें। मुख्य सचिव श्री मंडल ने कहा है कि आगामी बुआई के मौसम को ध्यान में रखते हुए रोका छेका की परंपरा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पशुओं की देखभाल और उनके चारे पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने सभी सचिवों से भी कहा है कि वे अपने प्रभार वाले जिलों के कमिश्नर्स और कलेक्टर से बात कर इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 जून को रोका छेका व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। कोरिया जिले में एक प्रसूता को खाट में लेकर 3 किलोमीटर पैदल जाने के मामले में कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने संज्ञान में लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अधिकारियों के साथ प्रसूता के गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। दरअसल कोरिया जिले के खड़गवां विकासखंड के दूरस्थ ग्राम नेवारी बहरा में 2 दिन पूर्व एक गर्भवती की तबियत खराब होने पर 108 नंबर पर फोन कर इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन बारिश होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण उसे खाट में उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, जहां से महिला को खड़गवां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि ग्रामीणों से मिलने के बाद वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां पहुंचे और महिला से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि बारिश में दूरस्थ गांव के लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए योजना बनाई जाएगी। वहाँ रोड ऑलरेडी बनी हुई है ग्राम पंचायत की, जिनके वो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक ही रोड बनी है, लेकिन उस दिन पानी गिरा था, उसके कारण थोड़ा कीचड़ था, तो एम्बुलेंस वाले के दिमाग में आया कि ये अगर मैं कहीं कीचड़ में गाड़ी फंस जाएगी तो हम मुसीबत हो सकती है पेशेंट को, तो उसने फिर उनको वहीं बुला लिया। वैसे हम जब लोग गए थे तो हम लोग पूरे गाड़ी में पूरे गाँव तक पहुँच गए, ऐसे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जो मरम्मत का काम था उसका मैंने बता दिया है वहाँ पंचायत से हो जाएगा। दूसरा, गांव वालों का एक डिमांड था कि उनका कोई कटकोना पंचायत पहुंचने के लिए भी 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, पास का कोई फॉरेस्ट का एक 2 किलोमीटर का रोड है, तो उसका हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे फॉरेस्ट से बात करके उस रोड को ठीक किया जा सके। इससे पहले गांव पहुंचे कलेक्टर का लोगों ने आत्मीयता के साथ स्वागत किया। लोगों का कहना है कि इस पिछड़े गांव में पहली बार कोई कलेक्टर आया है। गांव के लोगों ने कलेक्टर के सामने सड़क और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। लोगों की मांगे को सुनने के बाद कलेक्टर ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार इस वर्ष से इंग्लिश मीडियम के 40 नए स्कूल खोलने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग शहरों के बड़े स्कूलों को चिन्हांकित कर रही है। इसी तारतम्य में राजनांदगांव शहर के सर्वेश्वर दास म्युनिसिपल स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल का दर्जा दिया गया है, जहां पर 15 जून से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है। 20 जून तक होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए शहर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जहां पर अपने बच्चों के एडमिशन के लिए पालकों की भीड़ उमड़ रही है। स्कूल के प्राचार्य आशा मेनन ने बताया कि इस स्कूल में कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जबकि नौवीं से लेकर बारहवीं तक के बच्चों से राज्य शासन द्वारा निर्धारित फीस ली जाएगी। राज्य शासन का एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है ये। 40 स्कूल्स को स्टेट में इंग्लिश मीडियम बनाया गया, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, जिसमें सभी लोग अपने बच्चों को कम फीस, मतलब फीस तो है ही नहीं, क्लास 8 तक कोई फीस नहीं, जैसे अब स्कूल्स रन हो रहे हैं वैसे ही रन होंगे, और इसमें अभी टीचर्स अपॉइंट होकर आ रहे हैं पूरे सेटअप में, पूरे लेक्चरर्स, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सबके सेटअप हैं, टीचर्स के अभी आने वाले हैं, एक दो
इसी हफ्ते आ सकते हैं, और जो टीचर्स नहीं है यहाँ उनका रिक्रूटमेंट होगा, मतलब फ्रेश अपॉइंट करेंगे हम लोग। जिला शिक्षा अधिकारी टीआर सोम ने बताया कि इंग्लिश मीडियम से शिक्षा संचालित करने के लिए राज्य शासन द्वारा नया सेटअप मिला हुआ है। इसके लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी की गुणवत्ता सुधारने के लिए अतिरिक्त राशि भी जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूलों के सहारे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाने के प्रयास में लगी है। छत्तीसगढ़ में आज धमतरी और रायगढ़ जिले में दो अलग अलग घटनाओं में दो हाथियों की मौत हो गई है। इस तरह पिछले 7 दिनों में राज्य में 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। बताया गया है कि कुछ दिनों पहले गरियाबंद मैनपुर क्षेत्र में 21 हाथियों का दल धमतरी जिले के डुबान क्षेत्र में घूम रहा था। इस दौरान बीती रात हाथी का बच्चा दलदल में फंस गया। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद भी वो दलदल से नहीं निकल पाया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले हाथी के बच्चे ने दम तोड़ दिया था। वहीं दूसरे हाथी की मौत रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में करंट लगने से हुई। रायगढ़ पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं लगातार हो रही हाथियों की मौत के मामले में राज्य शासन गंभीर है और इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पढ़ई तुहर द्वार के माध्यम से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा दे रही है। जांजगीर चांपा जिले में भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षकों द्वारा घर बैठे बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। सतत शिक्षा के समन्वयक संतोष कश्यप ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाया जा रहा है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पढ़ाई तुहर द्वार, तो इसमें वेबेक्स ऐप के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है ऑनलाइन, और बच्चे अपने घर से ही इस ऐप के माध्यम से निर्धारित विषय का लाभ ले रहे हैं। शिक्षक पूरी तैयारी के साथ कक्षा अपने घर से ही ले रहे हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही शिक्षिकाओं का ये भी कहना है कि अलग अलग विषयों की पढ़ाई करवाने के बाद बच्चों को होमवर्क भी दिया जा रहा है। उसको बताए हैं कि मोबाइल में उसको लोड कर लीजिए जो वेबेक्स है उसको, और उसके बाद हम लोग लिंक बना के भेजते हैं। लिंक बना के रोज उसमें समय दिया रहता है, उनको बताया जिस विषय का जिस समय पढ़ाई किया जाता है पढ़ाते हैं उस समय, और उनको बताया जाता है कि आप उसी समय में जुड़ेंगे। पहले वो नहीं जानते थे तो जब मन लगता था खोलते थे, परंतु उनको बताया गया कि आप 2 से 3 यदि समय दिया तो 2 से 3 ही खुलेगा वो। आप बताया गया है कि जिला शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके तहत वे अलग अलग समय पर रोजाना 3 से 4 विषयों की पढ़ाई करवा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच दुर्ग जिले के सांकरा गांव की महिलाएं साबुन बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिले से 40 किलोमीटर दूर पाटन के सांकरा गांव की स्व सहायता समूह की महिलाएं बिहान योजना के माध्यम से अपने हुनर को निखारने में लगी हैं। समूह की महिलाएं बाजार की मांग को देखते हुए एलोवेरा और चारकोल फ्लेवर के साबुन बना रही हैं। जिला पंचायत सीईओ सचिदानंद आलोक ने बताया कि गांव महिलाओं को साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद हुए लॉकडाउन के दौरान महिलाओं ने समय का सदुपयोग करते हुए लगभग 5,000 पैकेट साबुन तैयार कर लिए। तो जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स थे वहां पर सबको साबुन दिया जाना था, उसमें इस साबुन का उपयोग किया गया। इसके अलावा लोकल स्तर पे भी लोगों ने उनका खरीदारी की है, और अच्छी बात यह आई है कि यहाँ पर एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, ये लोग को जब पता चला कि इस तरह से महिला स्व सहायता समूह ग्लिसरीन सोप का निर्माण करें जो एलोवेरा लेमन चारकोल इत्यादि वाला है, तो उन्होंने अपनी ओर से पहल करते हुए अपने सभी ब्रांचेस के लिए, यहाँ के लोकल ब्रांचेस के लिए खरीदारी की है। साबुन बनाकर आत्मनिर्भर हो रही महिलाओं का कोरोना संक्रमण के दौरान हाथ धोने के लिए सबसे ज्यादा साबुन का उपयोग किया जा रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग फ्लेवर के साबुन बनाए, जिसकी बाजार में काफी डिमांड है। साबुन बनाए के प्रशिक्षण चले थे, ये प्रशिक्षण हमारे जनपद पंचायत द्वारा मिले है। प्रशिक्षण ले के बाद हमारे महिला समूह के माध्यम से यहाँ साबुन बना था, तो साबुन बनाए में हमारे
रॉ मटेरियल जनपद पंचायत के द्वारा ही मिले हैं, जिन्हें सब समूह के महिला मिल के काम करत हैं और आगे भी करबो ये काम ला, लेकिन अभी यहाँ जो काम करत हैं एकर से हमला कुछ आर्थिक स्थिति में हमारे मन के सुधार आए। सांकरा की महिलाओं के साबुन बनाने के काम में पारंगत होने के बाद इससे लगे गांव कोनारी, आलबरस, मोतीपुर और अमलेडी की महिला समूह भी इस काम में जुट गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन के सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प, सेना के अफसर सहित 3 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत, 48 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान। मुख्यमंत्री ने कहा फसलों को बचाने रोका छेका की व्यवस्था करे ग्रामीण, 20 जून को करेंगे इसकी समीक्षा। और धमतरी एवं रायगढ़ जिले में 2 हाथियों की मौत, रायगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।